नमस्कार, मैं अश्वानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। गुजरात चुनाव के नतीजों की तस्वीर सामने आने के बाद राज्य भाजपा प्रमुख सीआर पाटिल ने कहा कि 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे गुजरात के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ मंडोस चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी की ओर बढ़ रहा है। तूफान की वजह से इन राज्यों में भारी बारिश, बिजली और तेज हवा की आशंका जताई जा रही है। खतरे की आशंका के मद्देनजर एनडीआरएफ, नेवी और अन्य संस्थाओं को तैयार रहने के लिए कहा गया है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने 1 अक्टूबर 2022 से देश में 5G सेवाएं उपलब्ध करानी शुरू कर दी है और पिछले महीने तक 50 शहरों में 5G सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा में प्रोफेसर सौगात राय के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने सूचित किया है कि वे वर्तमान में अपने उपभोक्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 5G से लैस उपकरणों के साथ 5G सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि इस बारे में वह कोई भी फैसला भारतीय जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए करेगा। राज्यसभा में भारत की विदेश नीति पर वक्तव्य देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चाहे ईंधन खरीदने की बातें हो, फर्टिलाइजर खरीदने की बात हो, इसमें भारतीय आवाम को सबसे पहले प्राथमिकता मानते हुए हितों को ध्यान में रखते हुए करेगी। हवाई किराए में भारी वृद्धि के बावजूद जिस तरह से हवाई अड्डों पर भीड़ बढ़ रही है, उसे देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अभी से बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस विषय पर सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और कुछ कदम उठाने के निर्देश भी दिए। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन गुरुवार 8 दिसंबर को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जिम्बाब्वे गणराज्य के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। नवादा जिले के मिसकौर प्रखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक रामायण काल की पावन भूमि सीतामढ़ी में अघन पूर्णिमा यानी कि 8 दिसंबर से मेला का आयोजन होगा। मेले को लेकर हर तरह की तैयारी की गई है। आसमानी झूले से लेकर ब्रेक डांस और दूसरे तमाम तरह के मनोरंजन के साधन और खेल खिलौने की दुकानें खुल गई हैं। यहाँ दशकों से मेला आयोजित होते आ रहा है। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी का जोश हाई था। पार्टी के दफ्तर पर एक खास पोस्टर लगा दिखा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर सभी देशवासियों को बधाई। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जरूरी पात्रता हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी के रूप में देश को एक नया राष्ट्रीय राजनीतिक दल मिल गया। गुरुवार को रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा कि मैं अभी अच्छा महसूस कर रही हूँ, पापा भी ठीक हैं, आप सबकी दुआओं के लिए शब्द नहीं है, आप सबकी प्रार्थना काम आई, दिल की गहराइयों में आप सबके प्रति ढेर सारा प्यार और सम्मान है, आप सबकी दुआओं ने बहुत ताकत दी है, मेरे पास आप सबको धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं है, मेरे और पापा के लिए इतना प्रार्थना और दुआओं करने के लिए आप सबका दिल से आभार जताना चाहती हूँ, प्रणाम। तपस एक मेल ड्रोन है यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। इसे DRDO की ही एक ब्रांच एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया है। इसका उत्पादन साल 2016 से चल रहा है, कई बार इसकी टेस्ट फ्लाइट हो चुकी है। जल्द ही इसे तीनों सेनाओं में शामिल किया जाएगा। बता दें कि तपस ने 18 घंटे की उड़ान भरी है। केदारनाथ फिल्म रिलीज का 7 दिसंबर को 4 साल पूरा हो गया है। सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म केदारनाथ के शूट के दौरान की गई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें से 2 तस्वीरों में वह सुशांत सिंह राजपूत के साथ नजर आ रही। इन तस्वीरों में दोनों के बीच खास बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। एक तस्वीर में सुशांत सारा के हेडफोन लगाते दिखाई दे रहे हैं तो दूसरे में दोनों को पहाड़ों की वादियों में बैठकर हंसते देखा जा सकता है। नए साल 2023 को आने में अब चंद दिन बचे हैं और नया साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक साथ कई तोहफे लेकर आने वाली है। इसमें पहला महंगाई भत्ते में फिर से बढ़ोतरी और दूसरा फिटमेंट फैक्ट का रिवाइज होना। अगर ऐसा होता है तो नए साल 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 2 गुनी हो जाएगी। अगर आप अपना EPF क्लेम करते हैं और वह बार बार किसी न किसी वजह से रिजेक्ट हो रहा है तो यह खबर आपके लिए है। अब आपका EPF क्लेम खारिज नहीं होगा क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सभी जिम्मेदार अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाए। बिहार के सरकारी अधिकारियों और इंजीनियरों के भ्रष्टाचार में मालामाल होने की कई खबरें सामने आती हैं। अब बिहार के सरकारी शिक्षक भी धन कुबेर हो गए हैं। जिले के मांझा थाना क्षेत्र के नई बाजार में ऐसे ही एक शिक्षक के घर सदर SDO डॉक्टर प्रदीप कुमार ने छापेमारी की। इस दौरान शिक्षक के निजी आवास से बड़ी संख्या में खतियान, दस्तावेज और अन्य सरकारी कागजात बरामद हुए हैं, जिसे सदर SDO ने जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
बिहार के जिलों के दौरे पर तीन बार गई टीम ने स्वास्थ्य विभाग को अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पतालों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विभाग के स्तर पर विशेष टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव बनाया है। यूक्रेन से निकले एक रहस्यमय हथियार ने रूस के अंदर एक ठिकाने को निशाना बनाया और टारगेट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। ये हथियार लैंडिंग जेट विमान की तरह लग रहा था और उस विमान की गगनभेदी गर्जना ने वोल्गा नदी क्षेत्र के लोगों को दहलाकर रख दिया। समतल मैदान में गिरे इस विमान ने अपने टारगेट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सर्विलांस कैमरे में जो फुटेज रिकॉर्ड हुए हैं उसके मुताबिक ये हथियार बिजली की चमक रही थी और गड़गड़ाहट के साथ विस्फोट हुआ। हिमाचल प्रदेश में 1% वोट के अंतर ने प्रदेश के चुनाव परिणाम का गणित बदल दिया। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से सिर्फ 1% वोट कम मिला और वह सत्ता से बेदखल हो गई, बहुमत से 9 सीटें दूर रह गई। कांग्रेस और भाजपा के बीच 13 सीटों का अंतर आ गया। क्रिकेट में बीते 24 घंटों में ऐसा ही कुछ हुआ। दुनिया के 11 क्रिकेटरों पर इस दौरान चोट का हमला हुआ जिसके चलते कुछ मैच से तो कुछ पूरी सीरीज से बाहर हुए हैं, वहीं कुछ तो अस्पताल भी पहुंच चुके हैं, जिनमें मिंडले, रोच, सिल्स, मारियस और ब्रोनर, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस, चमीरा करुणारत्ने और रोहित शर्मा, दीपक चाहर, कुलदीप सेन शामिल हैं। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को चौथा दिन है। आज सुबह करीब 6:15 कोटा के सूर्यमुखी हनुमान मंदिर से यात्रा शुरू हुई और सुबह 11:30 में भदाना गांव पहुंचकर यात्रा खत्म हुई। इसके बाद बूंदी जिले के केशव राय पाटन में यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। गुजरली गांव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कैंप बनाया गया है जहां पर 2 दिन नाइट स्टे होगा। फिल्म ऊंचाई के निर्माताओं ने हाल ही में एक नोट जारी किया है। इस नोट पर सभी लीड कलाकारों और क्रू मेंबर्स के सदस्यों के हस्ताक्षर थे, लेकिन प्रशंसकों ने तुरंत नोटिस किया कि अमिताभ बच्चन का इसमें साइन नहीं है। इसे लेकर फैंस लगातार सवाल पूछ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद एक दलित मानवाधिकार संगठन समेत 9 NGO को मान्यता दे दी है। भारत, चीन और रूस समेत कई देशों ने इस पर आपत्ति जताई थी, इसके बावजूद कदम आगे बढ़ाए हैं। रामपुर विधानसभा सीट को आजम खान का गढ़ माना जाता है। यहां पहली बार भाजपा जीती है। भाजपा कैंडिडेट आकाश सक्सेना को 80,964 वोट मिले हैं, जबकि सपा कैंडिडेट आसिम रजा को 47,262 वोट मिले हैं। सपा को 33,702 वोटों से हार मिली है। पिछले एक दशक में लोगों के बदलते मानसिक हालात जानने और उनकी भावनाएं समझने के लिए गैलप वर्ल्ड पोल ने 2012 से 2021 तक 150 देशों के 12 लाख लोगों का सर्वे किया है। इसमें उन्होंने बताया कि 10 साल पहले महिला पुरुष में गुस्सा और तनाव का स्तर समान था, लेकिन 10 साल से महिलाओं में तनाव ज़्यादा बढ़ गया है, वे अब ज़्यादा आक्रोशित होने लगी हैं। संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार 7 दिसंबर से शुरू हो चुका है। दोनों सदनों की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे शुरू हुई। दूसरे दिन उज्ज्वला योजना के बारे में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जानकारी दी। लोकसभा में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल पास हो सकता है, वहीं एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पर भी राज्यसभा में चर्चा हो सकती है। गुजरात में भाजपा लगातार 7वीं बार सरकार बना रही है। इस जीत का जश्न सुबह से शुरू हो गया। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी हेड ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने गुजरात में रिकॉर्ड जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस जीत की खुशी दोगुनी करने के लिए पीएम मोदी शाम 6 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हिमाचल में कांग्रेस की जीत पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, उसके लिए हम मतदाताओं को धन्यवाद करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और प्रियंका गांधी को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनकी वजह से हम जीते हैं। गुजरात के नमक मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर देश को नमक खिलाते हैं। खारा पानी में रहकर नमक बनाने के कारण वे कई बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। इसके बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इनकी अच्छी संख्या है, इस कारण सियासी दलों की नज़र इन पर रहती है, लेकिन इनका आरोप है कि कोई इनकी सुध नहीं लेता है। चुनावी वादे तो करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तो चुनावी प्रचार के दौरान मुस्लिम वोट को खींचने के लिए आंसू तक बहाए थे। गुजरात के गोधरा में जनता के बीच संबोधन के दौरान असदुद्दीन ओवैसी फूट फूट कर रोने लगे थे। असदुद्दीन ओवैसी का रोने वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। हालांकि गुजरात चुनाव में ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को गुजरात चुनाव में नोटा से भी कम वोट मिले हैं। नथिंग इज फ्री, ये कहावत अमेरिकन्स को काफी पसंद आती है। अब इसे अमली जामा पहनाने का काम दुनिया के सबसे अमीर और ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क कर रहे हैं। एलन मस्क ने जब ट्विटर खरीदने की बात की थी, यानी आज से करीब 4 से 5 महीने पहले, तब उन्होंने कहा था कि इसे सभी आम लोगों के लिए आसान बनाने और जनसेवा के उद्देश्य से खरीद रहे हैं। उनका मकसद इससे पैसा कमाना नहीं है।
कुर्नी में बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता की जीत से पार्टी के नेता गदगद हैं। जीत की खुशी में पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया। नेताओं ने रंग गुलाल लगाए और मिठाइयां बांटी। बिहार विधान परिषद ने नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कुर्नी उपचुनाव पर बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा तंज कसा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पीयूष पटेल, नुन्नू कुमार, गोलू, प्रफुल्ल कुमार, जितेंद्र ठाकुर, भान प्रकाश मौर्य, मोहम्मद रुस्तम, पंडित प्रजापति। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।